दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा चेहरा बेदाग रहे, सुंदर दिखे, उस पर कोई भी दाग ना रहे। हमारे हाथ, पैर, गर्दन जो काली हो जाती है वो काली ना रहे, वो भी गोरी रहे, सुंदर दिखे। हमारा चेहरा, हमारी स्किन फूलों के जैसे कोमल और चमकदार बनी रहे। जैसे फूल देखते ही लोग मोहित हो जाते, वैसे हमारी स्किन देखते ही लोग मोहित हो जाए। बस ऐसे ही एक रेमेडी मैं आपके लिए ले आई हूँ। अगर आप इसको नहाने से पहले यूज करोगे, 2 से 3 मिनट के लिए ही आप इसको यूज कर लोगे, तो आपके पैर, हाथ, गर्दन, पूरी स्किन एकदम फूलों के जैसे कोमल, सुंदर, चमकदार हो जाएगी, गोरी हो जाएगी। आपको ये रेमेडी बस डेली यूज करना है। 7 दिन के अंदर आपको फ़र्क दिखेगा। जो कई सालों की मैल आपकी स्किन पे जमी होगी वो साफ़ हो जाएगी। उससे पहले मैं कहना चाहूँगी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मैं बताती हूँ कि रेमेडी बनानी कैसे है। इसके लिए हमें चाहिए एक बाउल जिसमें हम रेमेडी बनाएंगे, और ये बर्तन साफ़ होना चाहिए दोस्तों। आप इसके बाद हम इसमें लेंगे चावल का आटा। आप चावल का आटा भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप मिक्सी में इसको पीस के भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 चम्मच चावल का आटा लिया है। दोस्तों, चावल हमारे स्किन पे अपने कलर के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। यानी चावल अगर वाइट है तो हमारी स्किन को वाइट बनाता है, साथ ही साथ हमारी जो डेड स्किन होती है उसको रिपेयर करता है। चावल हमारे स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है दोस्तों। आप इसका डेली यूज करोगे तो आपकी स्किन फेयर होगी, मुलायम होगी। और उसके बाद हमें चाहिए बेसन। ये भी मैंने उतनी ही क्वांटिटी में लिया है जितनी क्वांटिटी में मैंने चावल का आटा लिया है। बेसन का उपयोग प्राचीन काल से ही होता आया है दोस्तों। बेसन से हमारी स्किन बेदाग होती है। हमारी स्किन पे सूरज के कारण, यानी सूरज की धूप के कारण जो स्पॉट हो जाते हैं, काली हो जाती है, बेसन उसको गोरा बनाता है। बेसन से हमारी स्किन पे कोई भी नुकसान नहीं होता है। अब इन दोनों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको हमें एक कंटेनर में रख देना है। ये ध्यान है दोस्तों, जिस भी कंटेनर में आप इसको रखें वो एकदम साफ़ होना चाहिए, क्योंकि इसको आपको अपने स्किन पे भी अप्लाई करना है। यानी अपने हाथ, पैर, गर्दन पे तो अप्लाई करना ही करना है, साथ ही साथ इसको आपको अपने फेस पे भी अप्लाई करना है। तो इसका साफ़ जगह पे रखा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए, इसको मैं एक कंटेनर में रख लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे अप्लाई कैसे करना है। ये देखिए दोस्तों, मैं इस कंटेनर में इसको रखती हूँ और ये 1 वीक तक के चलता है मेरा। और मैं इसको अपने बाथरूम में ही रखती हूँ। नहाने से पहले इसको हमें यूज करना है, पूरे स्किन पे यूज करना है, फेस पे भी यूज करना है। और फिर आप देखिएगा कि 7 दिन के अंदर आपकी स्किन में कितना ग्लो आ जाता है। आपके जो हाथ, पैर, गर्दन की जो मैल होती है उसको कैसे काटता है ये, कैसे आपकी गर्दन, हाथ, पैर, फिंगर गोरी बनाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि इसको लगाना कैसे है। हमें जितनी क्वांटिटी चाहिए हमको ले लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे लगभग 1 चम्मच लिया है। अब इसमें हमें डालना है गुलाब जल, यानी रोज वाटर, और इसको इससे हमें एक अच्छा सा पेस्ट बनाना है, मिक्स करना है। हम थोड़ा थोड़ा लेके मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये तैयार हो गया है और आप इसको अपनी पूरी स्किन पे, पूरी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं, फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको 2 से 3 मिनट तक के अपने फेस पे, अपनी स्किन पे आपको लगाए रखना है। उसके बाद स्क्रब करके हटा देना है और नॉर्मल वाटर से आपको नहा लेना है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय।